मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लगातार मुमरा कौसा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। बिलाल अस्पताल में इलाज चल रहे एक 60 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मुमरा कौसा में एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिलाल अस्पताल के पास किफायत कॉलोनी ए विंग में रहने वाले एक 60 साल के व्यक्ति को 2 दिन पहले बिलाल अस्पताल में टाइफाइड और मलेरिया की शिकायत पर भर्ती किया गया था। 2 दिन तक इस व्यक्ति का इलाज किया गया और इस 60 वर्षीय व्यक्ति की तबीयत और बिगड़ने लगी और इसे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होने लगी, जिसके बाद इसे आईसीयू में रखा गया। इस व्यक्ति को कोरोना की जांच की गई और रिपोर्ट में इसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बिलाल अस्पताल से इस 60 वर्षीय व्यक्ति को ठाणे के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। इस पॉजिटिव व्यक्ति के सभी परिवार के लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा, मगर अभी इनकी हालात स्वस्थ बताई जा रही है। मनपा के अधिकारी ये भी पता लगा रहे हैं कि अस्पताल में कौन से डॉक्टर इस व्यक्ति का इलाज कर रहे थे और कौन कौन सी नर्स देख रेख कर रही थी। बहरहाल बिलाल अस्पताल में जो भी मरीज भर्ती थे उन्हें अब डिस्चार्ज किया जा रहा है और दूसरे अस्पतालों में भी शिफ्ट करने की बात सामने आ रही है। मुमरा कौसा में कोरोना मरीजों की संख्या 50 से भी ज़्यादा हो गई है और नया मामला बिलाल अस्पताल में भर्ती मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मगर वहीं कालशेखर अस्पताल जिस तरह से सील किया गया था, क्या बिलाल अस्पताल को भी इसी तरह सील किया जाएगा? सबसे अहम बात यह है कि जब इन प्राइवेट अस्पतालों में कोई भी मरीज इलाज के लिए आता है तो किसी को पता नहीं होता है कि क्या ये व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, और इलाज के दौरान अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो मनपा अधिकारी अस्पताल को सील कर देते हैं और अस्पताल सील होने की वजह से भर्ती किए गए मरीज और शहर में जो अस्पताल से दवा लेने वाले लोग हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आखिर बिना अस्पताल सील किए क्या इसका हल नहीं निकल सकता? क्योंकि अस्पताल सील होने से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। बहरहाल अभी तक अस्पताल सील नहीं हुआ है और अब क्या कल मनपा के अधिकारी इस बिलाल अस्पताल को सील करेंगे या नहीं, या फिर कोई और उपाय करके इस बिलाल अस्पताल को चालू रखा जाएगा? तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।